डियर लर्नर, ये एक सिंपल मगर बहुत इम्पॉर्टेंट ट्यूटोरियल होने वाला है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम आउटपुट चेक करते हैं कि हमें क्या बनाना है। फर्स्ट लाइन में आपका एक टेक्स्ट होगा, उसके नीचे आपको एक नीचे लाइन बनानी है। इस लाइन को हम हॉरिजेंटल रूल कहते हैं, और जैसा कि आप गेस कर सकते हैं, हॉरिजेंटल का एच और रूल का आर। इसे बनाने के लिए जो टैग आप यूज़ करेंगे उसका नाम है एच आर टैग। हॉरिजेंटल रूल बनाने के बाद आपको फिर से ये टेक्स्ट लिखना होगा, और आप जब दोबारा इस टेक्स्ट को लिखेंगे इसका अलाइनमेंट सेंटर होना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी मार्क के हेल्प से आपने बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया ब्रैकेट सॉफ्टवेयर में। इसके बाद आपने अपना पहला टेक्स्ट टाइप किया जो कि है इट्स ऑसम, सेव। इसके बाद आपको एक हॉरिजेंटल रूल देना था जिसका टैग हो जाएगा आपका एच आर टैग, सेव। इसके बाद आपको इट्स ऑसम फिर से लिखना है, तो मैं सिंपली इसी को सेलेक्ट एंड कॉपी कर ले रहा हूँ और पेस्ट कर दे रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो अलाइनमेंट है डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट हमेशा लेफ़्ट अलाइनमेंट होता है, आप देख सकते हो। आपको इसे सेंटर करने के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका है, सेंटर टैग यूज़ कीजिए। सेंटर लिखा, टैब की प्रेस किया, कट सेंटर कंटेनर टैग बन गया, और उसके बीच आपको जिसका भी अलाइनमेंट सेंटर देना है उस चीज़ को लिख दीजिए। तो आउटपुट में सेव करने के बाद आप देखोगे कि आपका जो टेक्स्ट था सेंटर अलाइन हो गया। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अक्सर आपको चीज़ों को सेंटर अलाइन करनी रहती हैं, और सेंटर अलाइन करने के 10 तरीके हैं, और उसमें से एक बहुत ही आसान तरीका सेंटर कंटेनर टैग होता है जिसे अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। तो आप ऐसा नहीं करिएगा, आपको इसे याद रखना है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। DFTBA।